अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे डेकोरेशंस की बात जैसे हुई थी सारे की वैसे ही हुए है ना? जी सर, जैसे आपने कहा था हर काम सर वैसे ही हो रहा है। वेरी गुड बेटा, सजावट वगैरह की सारी तैयारियां हो गई ना? पापा सब कुछ एकदम सही से हो रहा है। चलो अच्छा है, मेहमान भी आते होंगे थोड़ी देर में। अरे चकू चकू, हमें लगता है कि तुम्हारे मेहमान आना शुरू हो गए। बुआ जी मेहमान नहीं है, ये वेटर्स हैं मेहमानों की सेवा के लिए, उन्हें खिलाने पिलाने के लिए। जग्गू और नौकर मंगाने की क्या जरूरत थी? राधिका है ना, यही बोलने वाली थी ना बड़ी दादी। राधिका मेहमानों के लिए नाश्ता भी बनाए, उनके लिए खाना बनाए, उनके लिए मिठाइयां बनाए, घर की साफ सफाई भी करे, मेहमानों का ध्यान रखे, उन्हें खाना पीना खिलाए, क्योंकि वो इंसान थोड़ी है, राधिका तो रोबोट है। और वो बिना किसी शिकायत के सारे काम करती रहेगी, मरती रहेगी। हाँ तो क्या हुआ, नौकरानी है तो नौकरों वाले ही काम करेगी ना, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा उस पर? बड़ी दादी कभी कभी ना मुझे लगता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुझे और नौकर चाहिए ना तो तू रख ले। पर काम तो हम उस नौकरानी से ही करवाएंगे, उसे बख्शेंगे नहीं। ये गहनों के चक्कर में हम अपनी साड़ी यहीं भूल गए और राधिका की साड़ी भी नहीं काटी। अब जल्दी से राधिका की साड़ी काट देते हैं और अपनी साड़ी लेकर जाते हैं। पार्टी का समय हो रहा है, हम भी जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाते हैं। हम उस नौकरानी की साड़ी भी खराब नहीं कर पाए, सनी कहाँ रखी थी? खैर हम तो अपनी साड़ी पहन लेते हैं, हमारे होने वाले पति ने जो पसंद किए। जानते हैं ये काम किसने किया है। दादी सासजी, सासजी, जल्दी आइए, हम तो बर्बाद हो गए। क्या हुआ कली? ये देखिए दादी सासजी, नौकरानी जी की करतूत। अंधेरे में हमें सिर्फ लाल रंग दिखा, हमें लगा गोल मुखी की साड़ी है, पर वो तो कली की साड़ी निकली। कैसे हुआ ये सब? दादी दादी, अपनी साड़ी नौकरानी जी के कमरे में भूल गए थे, अभी वापस लेकर आए तो देखिए किस हाल में मिली अपनी साड़ी। तो नौकरानी जी हमसे जलती है, इसलिए उन्होंने सत्यानाश कर दिया हमारी साड़ी का। कहना फोन, क्या हो सुचाता, तुम भी, तुमसे एक काम ठीक से नहीं हो पाता है। गोल मुखी की जगह इस गवार मुखी का काम तुमने बिगाड़ दिया। अभी किसी का भी काम बिगड़े, हमें तो ये दोनों ही नहीं पसंद है। क्या क्या हुआ मालकिन? कांड करके मासूम बनने का नाटक कर रही हो? ये देखो क्या किया तुमने कली की साड़ी के साथ। नहीं नहीं मालकिन, ये हमने नहीं किया है।
कल ही तुम्हारे कमरे में भूल गई थी, अभी लेने गई तो ये हाल हो गया है। हमने ये नहीं किया है। और बड़ी दादी राधिका ऐसी हरकत क्यों करेगी? वो वैसे ही घर के कामों में इतनी उलझी हुई रहती है कि ये छिछोरी हरकत करने का कहां से सोचेगी है? उसको हमने साड़ी नहीं दिलवाई ना, इसलिए गुस्सा निकाल रही है वो। नहीं मालकिन, सब कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भोली बातों में ये परिवार आ सकता है, लेकिन हम नहीं। पिछली बार जब कंगन खोए थे तो पूरे घर की तलाशी हुई थी, और आज भी ली जाएगी। इस साड़ी में कीचड़ लगा है, इतना सारा कीचड़, और गुनहगार को तो सामने आना ही होगा। सुचाता, तुम तो गई। जी जी, आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारी राधिका ऐसा नहीं कर सकती। और बुआ, राधिका तो वैसे नौकरों वाले कमरे में रहती है ना, तो उस कमरे में तो कितनी धूल मिट्टी है, चूहे रहते हैं, हो सकता है भाई गंदी हो गई होगी साड़ी। ये किसी धूल मिट्टी या चूहे का काम नहीं है सुजाता। कहाँ अटके पड़े हैं आप लोग? मेहमानों के आने का टाइम हो गया है और आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। चलिए पहले सब लोग तैयार हो जाइए, फिर बाद में चूहे बिल्ली का खेल खेल लीजिएगा। चलिए ब्रज भैया, दिगन आओ। जी जी, आपको जो सही लगे वो कीजिए, लेकिन फिलहाल मेहमान आने वाले हैं तो हम लोग सब तैयार हो जाते हैं। और कली, तुम भी तैयार हो जाओ। पर हम क्या पहनेंगे दादी जी, हमारे पास कुछ भी नहीं है पहनने को। सुजाता। जी 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 बुआ। अपनी होने वाली बहू के लिए कोई अच्छी सी साड़ी लेकर आओ। अब बुआ जी, हमारे पास तो कोई ऐसी अच्छी साड़ी, हाँ हमसे भी ज्यादा अच्छी साड़ियाँ भाभी के पास है। भाभी, आप अपनी अच्छी साड़ियों में से कोई साड़ी कली को दे दीजिए। मेरी साड़ी? लेकिन मेरी साड़ी क्यों? अच्छा चुप रहो तुम दोनों, जाकर दोनों अच्छी से अच्छी साड़ियां लेकर आओ, जो उसे पसंद आएगी वो पहन लेगी, बात खत्म। जी जी बुआ। जी बुआ जी। और गेंदा फूल, तुमसे हम बाद में निपटेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से, और देखो खाने में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। सास जी, हमें तो कोई मेहमानों से मिलवा ही नहीं रहा, हम इस घर की होने वाली बहू है ना। तुम चिंता मत करो, अभी दिव्यम को आने दो, फिर सबसे मिलवाएंगे। ये क्या कर रही हैं आप सब, मेहमान देख रहे हैं। और वो माँ का प्यार भी समझते हैं, चुपचाप लगवा ले। सुजाता, एक मिनट, किसी से मिलवाना है। माँ आप भी आइए ना। दिव्यम, राधिका पार्टी में आ रही है या नहीं, और बड़ी दादी के सामने हम तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? बोलो भैया, मुझे भी नहीं पता, और सच बताऊं तो मुझे भी इस बात की चिंता है। सबसे पहली बात, ये लड़की है कहां पे? ओ रे
अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।